जितनी खूबसूरती के साथ हम हमारे घर को संभालते हैं, हम अपने आप को संभालते हैं, अपने पति को और बच्चे को, अमेजिंग है हम लोग, बेस्ट है। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज हम बहुत सारे प्यारे प्यारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं, जिसमें है कि कैसे अपने सारे काम डन करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है पर हम फिर भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ हैं ना उनके पास करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो कैसे मैनेज करें, और फिर हम सोचते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स कि कैसे अपनी चीज़ें डन करें। सो अगर आप सोच रहे हैं कि इसने इतनी ज़्यादा तैयारी किस खुशी में कर ली, वो इसलिए है क्योंकि यूजली मैं तैयार नहीं होती हूँ ज़्यादा। ओके, मैं मेकअप करना मुझे पसंद है, बाल बनाना मुझे पसंद है, पर मैं कपड़ों पे ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। जो मेरे पसंदीदा रंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल किस्म के हैं, लाइक वाइट, न्यूट्रल, अर्थी टोन्स। पर मेरा फेवरेट कलर रेड एंड ब्लैक है। अगर आप अभी तक नहीं जाने हैं तो ये काइंड ऑफ रेड फैमिली है, मैरून। सो आज मैंने सोचा कि पहन लेते हैं, कि यू नो हमारे पास कितनी सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये ओकेजन नहीं है, वो ओकेजन पे पहनेंगे, फलाना मौका आएगा तब पहनेंगे, तब पहनेंगे। इसके चक्कर में हम पहनते ही नहीं हैं, और बाद में मेरे साथ ऐसा होता है कि कई ड्रेसेस से मैं उब जाती हूँ उनको क्लॉजेट में देख देख के। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बार देख लिया मैंने इसको, बेशक मैंने उसे एक बार भी पहना ना हो। सो किसी खास मौके की वेट करते हुए अपने कपड़ों को पुराना मत करें, पहन लें। कोई आपके पास प्यारी साड़ी है, कोई आउटफिट, आपको पता नहीं चल रहा कब के पहनेंगे, बाद में पहनेंगे, बाद में मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, आई डोंट नो। सो पहनते रहा करें। आज फिर मैं दिल काट के बहुत ही तैयारी खींच ली है, जैसे मैं किसी शादी में जा रही हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं घर में रह के वीडियो बना रही हूँ। सो मैं बनाने वाली हूँ करेले। करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो समय हुआ है 11:30। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, आपको पता होगा कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ कुछ हफ्तों से। फास्टिंग को मैंने इंक्रीज़ करके 12 घंटे कर लिया है, कई बार मैं 18 भी कर लेती हूँ। सो 16-17 आवर्स तक मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ। जो मैं चाय भी पीती हूँ वो 0 कैलोरी वाली, या फिर अगर कैलोरीज हो भी तो 20 से ज़्यादा नहीं होने देती हूँ, 20-25। थोड़ा सा मैं 2% मिल्क डाल लेती हूँ और शुगर नहीं डालती हूँ। सो इसी तरह मैं अपना समय इंक्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर मैं कई बार अपने इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मेरे लंच शेयर करती हूँ। सो जो मेरा लंच मैं शेयर करती हूँ वही मेरा दिन का सिंगल मील है। डिनर नहीं खाती हूँ मैं। सो जो लंच है वो मैं 3:30-4 इसके करीब खा लेती हूँ, एंड फिर उसके बाद जब मुझे भूख लगेगी मैं चाय पीती हूँ, नट्स खाती हूँ एंड फ्रूट्स खा लेती हूँ, लाइक ऑरेंजेस या बेरीज। एप्पल खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर एप्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एप्पल खाया करें। मैं ऑरेंज या बेरीज ही खाती हूँ। और फास्ट को खोलने के लिए मैं सीधा ही रोटी नहीं खाती हूँ, मैं स्मूदी पीती हूँ ज़्यादातर। बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस स्मूदी बना लेती हूँ मैं, छोटा सा कप, उसी से मेरा फास्ट खुलता है। उसके बाद जो मेरा मील होता है वो मेरा लंच डिनर सारा दिन का कंबाइन एक को मील खाती हूँ मैं। अगर आप मुझे जानते नहीं और हैरान हो रहे हैं कि एक को मील खाने की क्या ज़रूरत है, क्या मैं पतला होना चाहती हूँ, नहीं मैं पतला होना, मैं ओके मैं पतला भी होना चाहती हूँ थोड़ा सा, पर मेनली मेरी डिजीज़ है ऑटो इम्यून डिजीज़। जब मैं फास्टिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादा फ्रेश एनर्जेटिक फील करती हूँ, और मेरे जोड़ों पर दर्द भी कम होता है। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एंड अगर आप समवन है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है आपको, या फिर आर्थराइटिस है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप कम से कम खाएं एंड फास्टिंग करें अराउंड 16 घंटों की। एंड उस फास्टिंग में कुछ भी नहीं खाएं, अगर चाय पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। कोशिश करें उसमें शुगर या दूध की क्वांटिटी, शुगर तो बिल्कुल ना हो, अगर दूध डाल रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत कम हो कि आपका फास्ट से आपकी बॉडी बाहर नहीं आए। एंड जब आप फास्ट खोल के खाएंगे भी तो भी अच्छा ही खाएं, गंदा मत खाएं। लाइक आपका देसी खाना सिंपल सादा पूरा, अगर क्या बोलते हैं बैलेंस्ड है ना, दाल है, दही है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, तो वैसी थाली खाएं एंड यू विल बी ओके।
मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की रेसिपी, बहुत ही क्विक वाली। इसमें मैंने करेले लिए हैं, 4-5 ही है मेरे पास मुझे लग रहा है। उसे मैंने थोड़ा हल्के हैंड से पील कर लिया है, बहुत अच्छी तरह रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये जो इसकी स्किन है मुझे अच्छी लगती है। देन हम इसे इवन साइजेस में स्लाइस कर लेंगे। इवन स्लाइसेस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इवनली कुक हो जाए, अदरवाइज कुछ करेले कुक हो जाएंगे, कुछ कच्चे रह जाएंगे। सो वंस इसकी स्लाइसेस होगी, इसे मैंने अच्छा नमक लगा के ओवरनाइट रख दिया। वैसे 2-3 घंटे चलेंगे पर मैं पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब मैंने इनका पानी निचोड़ दिया, मेरे हैंड से जितना भी निकला उसे मैंने एक गर्म पैन में डाल दिया है बिना किसी ऑयल के। अब हम इसका पानी सुखा लेंगे क्योंकि जब पानी सूख जाएगा ना तो फिर ऑयल कम ऐड होगा, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। सो वंस इनका पानी सूख गया है तो मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। देन मैं इसको कुक करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि सरसों के ऑयल में ना मुझे करेले का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लाइक करेले पिंडी कुछ अलग ही फ्लेवर आता है। तो मेरे पास ये प्यारे से क्यूट से आलू हैं जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, क्योंकि ये करेले की सब्ज़ी में मुझे आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो आलूओं को इवनली स्लाइस कर लेंगे एंड उसके बाद जब मेरे करेले काइंड ऑफ फ्राई हो जाएंगे ना, शैलो फ्राई, सो थोड़े से ऑयल में फ्लाई, कम ही ऑयल डालेंगे हम लोग। सो मैं आलू को भी कर लूँगी थोड़ा कुक। उसके बाद इसके तड़के के लिए मैं सिर्फ इसमें ऐड करूँगी अनियन एंड ग्रीन चिली एंड टमाटर। टमाटर इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी खटाई अच्छी लगती है, अगर टमाटर से इनफ खटाई नहीं होती ना तो आप अमचूर भी ऐड कर सकते, अमचूर पाउडर भी ऐड कर लें। सो अब मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है क्योंकि हमने पहले फ्राई कर लिया तो उसमें ऑयल होगा। सो अब अनियन को अच्छी तरह कुक कर लें एंड देन अपने मसाले ऐड कर लें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड थोड़ी सी हल्दी एंड काली मिर्च भी कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। सो वंस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, हल्दी ने ऑयल छोड़ दिया, तो आप टमाटर ऐड कर लें। टमाटर जब कुक हो जाते हैं तो फिर आप कर लेना ऐड अपने करेले एंड आलू का मिक्सचर। अब इसे ढक देंगे, गैस को बंद ही रखें क्योंकि करेले एंड आलू ऑलरेडी कुक है। सो गैस को बंद करिए ताकि ये फ्लेवर अच्छी तरह सिंक इन हो जाए। सो वंस ये हो गया तो ये रेडी है खाने के लिए, जो कि हम बाद में खाएंगे क्योंकि अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत, गंभीर मुद्दों पर बातचीत चल रही है, उसके बाद ही हम हमारी रोटी खाएंगे। जितनी खूबसूरती के साथ हम हमारे घर को संभालते हैं, हम अपने आप को संभालते हैं, अपने पति को और बच्चे को, अमेजिंग है हम लोग तो, बेस्ट है। क्योंकि अगर एक लड़के को हमारे जैसे टास्क करने के लिए दिए जाए ना तो उनसे होते नहीं है। आई नो कि जो वो करते हैं अपनी अपनी जर्नी में वो भी बहुत ही कमाल का है, पर मुझे लगता है कि लड़कियां औरतें कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग होती हैं लड़कों के मुकाबले। ओके, यहाँ पे वैसे लड़के लड़की की बहस नहीं करेंगे हम। अब ये हमारे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट भी हो जाती हैं जिसमें आप खुद भी आते हैं। हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छा फील करेंगे ना, अगर आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे अंदर से, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। सो सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए कि मैं अपनी देखभाल के लिए क्या करूं। सो दिन में कुछ समय अपने लिए ज़रूर से निकाला करें जिस समय आप सिर्फ अपने साथ स्पेंड करें, बेशक वो मेडिटेट करें, बेशक वर्कआउट करें, योगा करें, खिड़की के पास बैठ के बाहर देखें, कुछ भी करें, पर अपने लिए ज़रूर समय निकाला करें जब बाकी लोग सो रहे हों या बाकी लोग अपने मस्त हों और वो समय सिर्फ आपका है। मे बी एक कप बना के चाय पी लें सुबह सुबह, जो सिर्फ आपका अपना समय है। आप देखना कि कितने रिजुवेनेट फील करेंगे आप ये नन्हे से स्टेप के साथ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते तो 5 मिनट निकालें, 5 मिनट ही डिफरेंस क्रिएट करें। सो औरतें बहुत ज़्यादा सोचती हैं क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एंड करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और अगर औरत वर्गो होगी तो इस सोच को 100 के साथ गुना कर लें, वो उतना ज़्यादा सोचेगी। एंड वर्गोस का तो मुझे लगता है कि ऐसा है कि हम नींद में भी सोचते रहते हैं, सपनों में भी मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, सपने में मैं लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ कि ये चीज़ें मुझे करनी है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। क्योंकि कुछ समय आपको चाहिए जब आप कुछ नहीं सोचे, बिल्कुल ब्लैंक हो, शांत हो, मज़ेदार हो। सो मैं यहाँ पे आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स लेके कि कैसे आप अपनी चीज़ों को डन करें।
घर को संभालना एंड अपने आप को संभालना, बच्चे एंड पति को संभालना आसान नहीं है, पर हम लोग कर सकते हैं. पर हम ऐसे ही करेंगे जिसमें हमारा कोई हार्ड ना हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसी के हिसाब से हम हमारा काम करेंगे. सो सबसे पहली चीज़ है कि हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें करना क्या है, एंड प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है. क्योंकि जब हम लिस्ट नहीं बनाते हैं या हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, तो सारा हॉच पॉच हो जाता है और जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें वो हमसे निगलेक्ट हो जाती है. और आलतू फालतू सी चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा समय. प्रायोरिटी वाली चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे कोई डेडलाइंस है या जो चीज़ आपको उस पर्टिकुलर डे से पहले करनी है, एंड या फिर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कोई डॉक्टर्स की विजिट है, वो प्रायोरिटी है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं. सो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लिस्ट बनाएं. एक लिस्ट बना ले लंबी सी मंथली कि मंथ में ये चीज़ें कंप्लीट करूँगी मैं. एक लिस्ट बना ले वीकली जिसमें आप बड़े बड़े और टास्क लिख लें. एक डेली बना लें. जो डेली लिस्ट बनाते हैं ना उसमें 5 से ज़्यादा टास्क नहीं लिखें, 5 छोटे छोटे, अगर बहुत बड़े हैं तो 3. क्योंकि बहुत लंबी वी चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे तो पागल हो जाएंगे आप, एंड जब आपका देख के आपको लगेगा यार अन्नी चीज़ें, तो आप शुरू ही नहीं करेंगे. सो छोटी लिस्ट होगी ना तो आपको लगेगा शॉर्ट एंड स्वीट है, चलो कर लेते हैं. सो पहली चीज़ है कि जो चीज़ें आप फ़ोन कॉल से कर सकते हैं या ईमेल करके कर सकते हैं, वो दिन की शुरुआत में कर लें. और जब दिन शुरुआत ऐसे होती है प्रोडक्टिविटी वाले माहौल के साथ कि वो मैंने कितने सारे टास्क कर लिए, क्योंकि कॉल करने में कई बार ना सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते हैं और हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं कि वाह मैंने कितना कुछ कर. यहाँ पे एक बोनस टिप देना चाहूँगी मैं आपको कि सारी चीज़ें खुद ही करने की कोशिश मत करें. अगर आप करना चाहते हैं तो करें भी, पर एक ही दिन में, एक ही महीने में, बहुत ही ज़्यादा छोटे पीरियड में टेंशन मत लें कि आप ही को करनी है. अगर आपको कुछ सर्टन टाइम है, कुछ चीज़ें करनी ही हैं, तो उसको बांट लें कि ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, ये वाला हिस्सा हस्बैंड कर सकते हैं, ये वाला आपकी किड्स कर सकते हैं. किड्स की उम्र जितनी मर्जी हो, उन्हें छोटे छोटे टास्क ज़रूर दिया करें. बेशक उस टास्क से आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही, पर उनका वो बिल्ड हो रहा है कि उन्हें भी मम की मदद करनी है. सो हिम्मत मेरी हमेशा मदद करता है, बेशक वो मशीन के बटन ऑन करके मशीन को स्टार्ट करने में, या फिर अपनी लॉन्ड्री को फोल्ड करने में, या कुछ उसके फोल्ड किए हुए कपड़े अपनी क्लोज़ेट में फिट करने के लिए. सो जब मैं रात को मेरी किचन को क्लीन करके अपस्टेयर आती हूँ ना, तो मैं सारा डिशवॉशर का चीज़ें करके आती हूँ, लाइक सोप डाल देती हूँ, पर स्टार्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ऑफ वीक में डिशवॉशर यूज़ करती हूँ, एनर्जी सेविंग मी. सो मैं उसको बोल देती हूँ कि हिम्मत डिशवॉशर ऑन कर दो, तो उसे पता है कि कौन कौन से बटन ऑन करके स्टार्ट करना है. सो मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे टास्क बांट देंगे ना, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. अगर आप मेरी तरह हैं जिसे परफेक्शन चाहिए, तो आपको अपनी आदत थोड़ी बदलनी पड़ेगी. क्योंकि जब आप किसी को टास्क देते हैं तो वो आपकी तरह परफेक्शन से कर नहीं सकता है. इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मेरे हस्बैंड को कोई टास्क देती हूँ ना, तो मुझे पसंद नहीं आता है. मेजॉरिटी ऑफ टाइम मुझे पसंद नहीं आता है, तो फिर मुझे दोबारा से करना पड़ता है. तो मैंने अब आदत डाली है पसंद करने की, कि इट्स ओके कि पति पति हैं, पति मैं नहीं हूँ, जो भी वैसे जैसे भी वो करेंगे आई एक्सेप्ट इट और मैं कर लेती हूँ. सो कई बार अगर मेरे हस्बैंड डिनर पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप से, तो मैं हैप्पी हूँ. वो किचन को फैला देते हैं, किचन का सत्यानाश कर देते हैं एक डिश बनाने के लिए. वो इतने बर्तन यूज़ कर लेते हैं और मैं कितना टाइम बर्तन साफ करती रहती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके कि डिनर तो प्रिपेयर हो गया. वो कितना बड़ा बोझ होता है कि डिनर डिनर डिनर, अगर वो कर लेते हैं तो काफ़ी मेरे ऊपर से रिमूव हो जाता है. सो या ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा. परफेक्शन मत ढूंढें, जैसे भी कोई करता है ग्रेटफुल रहें, थैंक्स करें एंड एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे होने वाला है. तो मेरा खाना तैयार है. सबसे तो मैं लेने वाली हूँ एक अच्छा बोल सैलड का, जिसमें एवोकेडो है, क्यूकम्बर है एंड ग्रेट टमेटोज. और अब हम दाल को सर्व कर लेते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि दाल ज़्यादा लेंगे, अराउंड 10 स्कर्ट. सो करेले की सब्जी को प्लेट में ही डाल लेते हैं. सो एक फुल्का खाऊंगी मैं, बड़े साइज़ का है ये, एंड इस पर कुछ लगाएंगे नहीं, कोई घी एंड कुछ नहीं. जो घी हम हमारी रोटी पे नहीं लगाएंगे वो हम दाल में डाल देंगे. आजकल मुझे अच्छा लग रहा है लस्सी पीना, तो थोड़ी लस्सी भी पियेंगे हम. थोड़ा सा सॉल्ट एंड खूब सारी काली मिर्च ऐड की है. करेले की सब्ज़ी खाते हुए ना मुझे एक बात याद आई. मेरी एक कज़न दीदी है जिनको करेले शायद बनाने नहीं आते, क्योंकि एक बार हम उनके घर में थे और बाज़ार गए सब्ज़ी खरीदने, एंड मम्मी ने कहा कि करेले बनाते, करेले कितने सुंदर है. पर मेरे जीजा जी ने मना कर दिया, करे नहीं 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 करेले नहीं.
तो मम्मी को लगा कि यार करेले तो इतने स्वाद बनते हैं, इसको क्यों पसंद नहीं है। मम्मी कह रही तो मैं बना के खिलाती हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक है। सो मम्मी ने ना करेले बना के खिलाए भर के, तो जीजा जी हैरान रह गए कि अन्य वतिया। वो शायद दीदी को अच्छी तरह बनाने नहीं आते थे, इसलिए जीजा जी के ना दिल से उतर गए करेले। एंड कल मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें वो लेडी ने सेम वैसे ही करेले बनाए थे। वो मिडल कुक था एंड साइड्स कच्ची थी, और मिडल तो इतना कुक था कि काला ही हो गया था। सो करेले का है कि बहुत ही प्यार से बनते हैं, आप धीरे धीरे स्लो कुक होते हैं और आपको उनके सर पे खड़े रहना पड़ता है अगर भर के बनाएं तो, नहीं तो फिर ना ही बनाएं। अपने पति के दिल से उधार मत देना करेले। और अगली चीज़ है कि अगर आपके पास क्लीनिंग का टास्क है, क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। इस समय मेरे तीन रूम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। एक तो मेरा मेकअप रूम जिसमें मैं मेकअप है, ऑफिस है, काफ़ी ज़्यादा मैस है उसमें, एंड दूसरा हिम्मत का रूम, और तीसरी है मेरी क्लॉजेट। सो अगर आपके पास ऐसा ऑर्गेनाइजिंग का या क्लीनिंग का काम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो आप टाइमर ऑन करके करें, टाइमर रख लें 20 मिनट का, 30 मिनट का, करना शुरू कर लें। सोचें कि मैं 30 मिनट तक जितना होगा उतना ही करूँगी। अगर आपको करना शुरू कर देंगे ना, जब फिर आपको लगेगा कि मैं टास्क फिनिश ही कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं भी लगता है कि आप 30 मिनट में पूरा फिनिश नहीं कर पाए और फिर भी आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे छोड़ सकते हैं अगले दिन के लिए। आपको अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है, आप कल भी कर सकते हैं, दैट्स ओके। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालें, थोड़ी ब्रेक लें। अगर आप काम करते करते थक जाते हैं, चाय पानी पी लें, फ्रूट्स खा लें। जो आपकी टू डू लिस्ट बनाई है ना आपने, उसमें ये भी ज़रूर से लिखें कि आप अपने लिए कब समय निकालेंगी, थोड़ा सा मे बी तैयार होने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए, या फिर अपनी स्किन केयर के लिए। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा टास्क करने हैं, तो कोशिश करें आप सुबह उठते ही तैयार हो जाएं। सबसे पहले वो आपका मी टाइम होगा, एक तो आपने अपने ऊपर समय स्पेंड किया होगा, ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं तैयार हूँ ना, तो फिर मैं ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। मेरा मन नहीं करता कि बेड में जाके घुस जाओ एंड सो जाओ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश कर लूँ चीज़ें। सो तैयार होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको स्टिल फील नहीं होता है कि मेरा नहीं मन कर रहा, तो आपको अपने दिल को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की सुने, रिलैक्स कर लें, टीवी देख लें, कल कर लेना चीज़ें। ऐसे अपने आप को प्रेशराइज करके अनहैप्पी होके मत चीज़ें करें। जब भी आप घर का कोई काम करते हैं, घर को संभालने के लिए, या अपने हस्बैंड एंड अपने बच्चे की टेक केयर के लिए, उनकी लॉन्ड्री, उनके रूम्स, एवरीथिंग आप चाहते हैं कि उनके लिए परफेक्शन के साथ हो, तो हर उस करने वाले काम को, हर एक चोर को अच्छी तरह करें, प्यार से करें, दिल से करें। क्योंकि अगर आप खुश होकर चीज़ें करेंगे ना, तो वो आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप साढ़ साढ़ की चीज़ें करेंगे, सो उससे अच्छा है कि ना करें। प्यार से करें दोस्तों, ये आपका घर है, आपका घर एक मंदिर है। अगर वो आप मज़ेदार रखेंगे, आप भी खुश होंगे, आपका बच्चा भी खुश होगा, आपके पति भी खुश होंगे। क्योंकि किसी ने कहा नहीं है कि ये सारे टास्क तुम ही को करने हैं। प्यार से करेंगे तो अच्छा है, अच्छा जीवन निकलेगा। टास्क को डिवाइड कर लें, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ करने के लिए दें, ताकि आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, अगर आप प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे हैं। पर अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आप खुश नहीं हैं, तो बात करें कि मुझे ये चीज़ें करने में परेशानी आ रही है, मुझे मदद चाहिए, तो आपको मदद मिलेगी। अगर आप मदद मांगेंगे नहीं, सड़ सड़ के करेंगे, तो फिर आप ही सड़ जाएंगे अंदर से। और आप बहुत दुखी होके, अनहैप्पी होके रोटी बना रहे हैं ना, तो वो सारी अनहैप्पीनेस, नेगेटिविटी रोटी में पति एंड बच्चे को चली जाएगी, और आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। स्पेशली जब रोटी बना दें ना, तब तो खुशी रहा करें, पूजा पाठ करा करें, अपने दिल में प्रेयर करा करें, ग्रेटिट्यूड दिखा करें, और वो पौष्टिक प्रसाद जैसा फूड अपनी फैमिली को खिलाएं। एक और टिप देना चाहूँगी, मुझे लगता है कि ये लास्ट टिप है, ये है कि एक चीज़ एक समय पे एक ही चीज़ करें, या फिर एक ही कैटेगरी की। अगर आप आज आपने सोचा है कि मैं क्लीनिंग करूँगी, तो क्लीनिंग की कैटेगरी के ही काम करें, ऑर्गेनाइजिंग का डे रखें। अगर आपको बाहर के काम करने हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस जाना होगा, बैंक जाना होगा, या ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, या बाहर के एरेंड्स रन करने हैं, तो उस दिन वो सारे टास्क बाहर वाले करें, एक दिन दो दिन जितने भी दिन। ये नहीं है कि बाहर के सारे काम करके आके फिर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर आप बहुत प्रेशराइज होंगे। सो हर दिन एक ही कैटेगरी पे फोकस करें, मल्टीटास्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीटास्क करके ना अच्छा नहीं है हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं समटाइम कि ये करूँ, और सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं, या फिर अच्छी तरह हो नहीं पाते हैं। सो अगर आप एक ही टास्क पे ज़्यादा अच्छी तरह काम करेंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरह हो।
ऑलराइट प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी कि कैसे थिंग्स डन करनी है हमारे घर में जो बिखरी पड़ी है काफ़ी दिनों से और हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, सो उन्हें कैसे फिनिश करना है। अगर आपके पास कोई प्यारी सी टिप है मुझे बताने के लिए तो ज़रूर शेयर करना, मुझे आपकी टिप्स बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे हम आदान प्रदान करेंगे अपनी नॉलेज का। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट and strong, we guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, love you.